खूबसूरत मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। आज संडे है, संडे की राइड है। हम जा रहे हैं हनुमान टेंपल, जो कि एक बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है। कहा जाता है कि पांडवों ने इस प्राचीन मंदिर को बनवाया था और दिल्ली में ऐसे 5 प्राचीन मंदिर बनाए थे पांडवों ने। तो सबसे पहले हम जाएंगे हनुमान टेंपल, जो कि है कनॉट प्लेस में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का, फिर चलेंगे हम हनुमान टेंपल। तो गाइस अभी हम हैं जेल रोड पे, वी आर मूविंग टूवर्ड्स धोला कुआं। और ये देखिए क्या नज़र आया है, क्लासिकल स्कूटर। तो हमारा ब्रेक बनता है तो मैं 2 मिनट इनसे बात करूंगा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में भाई का स्वागत है। भाई का नाम बताइए। सिद्धार्थ बख्शी। सिद्धार्थ बख्शी भाई हैं और मैंने एक नई चीज़ देखी, ये है लम्बरेटा स्कूटर, जो बहुत ही पुराने समय में चलता था। मतलब कितने साल हो गए होंगे? 1964। और ये 1964 मॉडल है और अभी भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नया है, बहुत ही मेंटेन कर रखा है और बहुत ही क्लासिक लुक दे रखी है, बहुत ही शानदार है। तो भाई का इनका क्लब है कैपिटल स्कूटरिंग क्लब। कैपिटल स्कूटरिंग क्लब है इनका, जो कि स्पेशली लम्बरेटा वाले सब है इसमें। लम्बरेटा, पृथ्वी, ऑल विंटेज स्कूटर्स, विंटेज स्कूटर्स हैं, सारे विंटेज स्कूटर्स हैं। और ये अपने एवरी संडे राइड करते हैं आप? नहीं, हमारा 1 से 6 मंथ राइड होती है। अच्छा अच्छा, 6 महीने में एक बार इनकी राइड होती है। तो आज कहाँ जा रहे हैं आप? आज हम लोग जा रहे हैं ताजसी सीढ़ी, फिर उसके बाद गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड। बेस्ट ऑफ जर्नी है भाई लोगों को और थैंक यू आपका। 2-3 दिन में बन जाएगी। अभी हम हैं सरदार पटेल मार्ग पे और आपने लास्ट ब्लॉग हमारा देखा होगा मालचा महल का, जो हंटेड महल कहा जाता है। और मैं दिखा रहा हूँ कि ये दिल्ली अर्थ स्टेशन, ये रास्ता है मालचा महल का। लास्ट राइड पे हम यहीं से गए थे मालचा महल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि है कनॉट प्लेस में, काफ़ी फेमस टेंपल है। और एक स्पेशल बात है उस मंदिर की, मैं वहां चल के बताऊंगा, आप ये व्लॉग लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही स्पेशल बात है। और आई बैट कि दिल्ली वालों को ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। मेरे साथ अभी 2 राइडर और जा रहे हैं, मिस्टर JD और मिस्टर मनोज। मैं अभी मिलवा लेता हूँ आपको उनसे। और ये JD भाई जा रहे हैं हमारे, और ये मनोज भाई। मनोज भाई हमारे साथ आज, हम ये 2 राइडर जा रहे हैं मेरे साथ और हम टोटल 3 राइडर हैं। तो आज की राइड हमने शुरू की थी 6:40 पे, हम 6:30 पे असेंबल हो गए थे और 6:40 पे हमने राइड स्टार्ट कर दी थी। और फर्स्ट ब्रेक हमने 8 किलोमीटर बाद दिल्ली कैंट में लिया था। और ये मेरे सामने 11 मूर्ति आ चुकी है, मैं दिखा देता हूँ, ये है 11 मूर्ति। तो हमने जाना है लेफ्ट में प्राचीन हनुमान मंदिर CP के लिए। और यहाँ पे देखिए सारे बाइसिकल राइडर इकट्ठे हुए पड़े हैं। और जो धोला कुआं से यहाँ तक 11 मूर्ति तक पूरी ढलान है और बाइक बहुत बढ़िया चलती है, बिल्कुल स्मूथ। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे है तालकटोरा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। ये पीछे देखिए मेन गेट आ गया है तालकटोरा का, ये सामने। गाइस अभी हमने LNJP हॉस्पिटल क्रॉस किया है और मैं वेदर बता दूँ, जो टेम्परेचर है वो अभी 13 डिग्रीज टेम्परेचर है और मौसम बहुत ही ठंडा है। और बाइक में जैसे हवा लगती है तो सर पे काफ़ी ठंडक लगती है, महसूस होती है। तो ये आ गया है गोल डाकखाना, ये मेरे राइट हैंड पे गोल डाकखाना है। और ये चर्च मेरे लेफ्ट हैंड पे,
और ये सन सनराइज हो चुका है और बिल्कुल लाल, ये देखिए बिल्कुल लाल रंग का सन दिखाई दे रहा है। तो हम प्राचीन हनुमान टेंपल पहुंचने वाले हैं और अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। हम लगभग पहुंच चुके हैं प्राचीन हनुमान टेंपल और हमारे आगे हैं जेडी भाई और मनोज भाई। और हमने अभी, मैंने और जेडी भाई ने अभी साइकिल स्वैप की है, वो मेरी साइकिल चला रहे हैं, मैं उनकी साइकिल चला रहा हूँ। तो अभी हमने फोटोग्राफी की थी पीछे गुरुद्वारा बंगला साहिब पे और हमने की थी अपना स्टेडियम पे, ताल कटोरा स्टेडियम पे। और ये सन देखिए बिल्कुल लाल सन। और ये शिवाजी स्टेडियम है, मेट्रो स्टेशन है शिवाजी स्टेडियम का, ये मेरे सामने। और ये बिल्कुल लाल सूर्य देवता जी नज़र आ रहे हैं और हम लगभग पहुंच चुके हैं। बस एट लास्ट गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर पे। ये सबसे पहले गणेश जी का मंदिर है मेरे सामने, ये देखिए। तो अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस हमने अभी मंदिर में एंटर कर लिया है, ये देखिए। अभी भी कोविड का समय है लेकिन भीड़ देखिए, अभी भी काफ़ी भीड़ है। तो इस मंदिर के हिस्ट्री मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। ये भारत का एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये दावा किया जाता है कि महाभारत के समय ये मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके अलावा चार और मंदिर जो प्राचीन मंदिर कहते हैं उनका भी निर्माण महाभारत के समय पांडवों ने करवाया था। तो जो चार अन्य मंदिर हैं, एक तो कालका जी में है जो काली माता का मंदिर है, दूसरा है कुतुब मीनार के पास योग माया मंदिर, तीसरा जो मंदिर है वो पुराने किले के पास भैरव मंदिर है, और चौथा है शिव मंदिर जिसको भी कहते हैं नील चतुरी महादेव मंदिर, जो कि पुरानी दिल्ली निगम बोध घाट के बाहर बनाया गया है। पांचवा ये हो गया हमारा हनुमान मंदिर। तो महाभारत समय के ये पांच मंदिर हैं। तो अभी आप देख रहे हैं प्राचीन हनुमान टेंपल जो कि कनॉट प्लेस में स्थित है, और दिल्ली में महाभारत के समय के पांच प्राचीन मंदिर हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। और इस मंदिर की एक और खास पहचान है, विशेषता है, इसके जो बुर्ज पे एक अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगा हुआ है जो कि इस्लाम का प्रतीक होता है। इस मंदिर का जो रिपेयरिंग वर्क, जो पूर्ण निर्माण हुआ था, वो अकबर के समय में हुआ था और वो राजा मान सिंह जो आमेर का राजा था उसने करवाया था। तो अभी हम जाएंगे मंदिर में और इस के बारे में मैं और भी आगे डिटेल पे थोड़ा बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हम एंटर कर रहे हैं हनुमान टेंपल में, जो कि बहुत ही प्राचीन टेंपल है। और ये बाहर सारे पूजा का सामान मिलता है, फूल मिलते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए भगवान के चरणों में। तो ये सीढ़ियां हैं और काफ़ी चेंजिंग आ गई है, क्योंकि प्राचीन समय में जब ये बना था तो छोटा सा मंदिर था, लेकिन उसको काफ़ी एक्सटेंड किया गया है। तो गाइस अभी हमने कर लिए हैं हनुमान जी के दर्शन, उनका आशीर्वाद ले लिया है। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो इसके टॉप पे एक सिंबल लगा हुआ है, अर्धचंद्राकार सिंबल है, जो कि एक मुस्लिम का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। ये क्यों है? क्योंकि जो मुग़ल राजा अकबर था उन्होंने इस मंदिर को रिपेयर कराया था, और रिपेयरिंग के बाद ये सिंबल ऊपर लगाया गया था इसके टॉप पे मंदिर पे, और जिसके कारण मुग़लों द्वारा समय समय के हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन इस सिंबल की वजह से इस बहुत ही प्राचीन हिंदू मंदिर को नहीं तोड़ा गया और बच गया था। तो मनोज भाई कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। हनुमान जी के दर्शन करके, प्राचीन मंदिर है जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया था। हाँ। जब इंद्रप्रस्थ नगरी थी ना यहाँ, तो उस टाइम का बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, और पांडवों ने पांच मंदिर दिल्ली में बनाए थे, जो अपना भैरव मंदिर है और काली मंदिर है और एक शिव मंदिर भी है। हमारे सज्जन कुमार भाई साहब भी हर मंगलवार आया करते यहाँ पे, जेल जाने से पहले भी लास्ट में यहीं आए थे।
और केजरीवाल जी भी तो आए थे शपथ ग्रहण के समय आशीर्वाद लेके गए थे तो यहाँ होके गए थे। अभी चलते हैं हम जैन चावल वाले के पास। दोस्तों अभी हम हैं जैन चावल वाले के शॉप पे और अभी हम हनुमान मंदिर पे दर्शन करके आए हैं और अभी हम यहाँ थोड़ा रिफ्रेशमेंट खा रहे हैं। तो मैंने भी दिखाया आपको, तो हमने चाट कचौड़ी और आलू कचौड़ी ये दो आइटम ली थी और साथ में अभी चाय ऑर्डर करी। चाय के लिए चोबारा है ये साथ में, क्योंकि इनके पास जैन चावल वाले का चाय ख़त्म है। तो यहाँ भीड़ देखिए, ये सारे मोस्टली बाइसिकल राइडर्स हैं जो यहाँ पे आए हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ये जो जैन चावल वाला है 24 आवर सर्विस है इनकी, जब मर्जी आके आप यहाँ पे कुछ भी अपना फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हमारा रिफ्रेशमेंट हो गया है पूरा जैन छोले वाले के। यहाँ पे हमने खाए हैं पनीर का परांठा और कचौड़ी चाट, आलू कचौड़ी और चाय। तो ऑलमोस्ट हमारी राइड पूरी हो गई है। ये मेरे पीछे मेरे अपने लेफ्ट हैंड पे ये है प्राचीन हनुमान टेंपल, जिसके हमने दर्शन किए थे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। जैसा कि दोस्तों आप पीछे देख पा रहे हैं, यह है गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो आज की राइड हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, हम अब जा रहे हैं अपने घर को। और हमने जैन चावल वाले के यहाँ पे रिफ्रेशमेंट किया, अपना परांठा खाया, आलू पनीर वाला परांठा जो कि इनका फेमस है, काफ़ी टेस्टी था और बहुत ही इकोनॉमिकल है और चीप एंड बेस्ट है अपना जैन चावल वाला, जो कि मैं बता दूं कि 24 आवर्स इनकी शॉप खुली रहती है। और ये बिल्कुल गुरुद्वारे के बैक साइड पे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, ये पूरा ऑफिस है, पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन अभी शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो अब हम चलेंगे अपने घर की ओर। आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। तो भाई मेरे, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, और कुछ भी अच्छा लगा हो आपको इस ब्लॉग में तो एक थम्स अप लाइक ज़रूर कर देना मेरे ब्लॉग को। तो एट लास्ट राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद। Oh, oh, oh.